Yemin olsun protein diye. Bas yok. Assalamu aleyküm. Ve sapsın derdi. Zela Kortrik ki transport program अंजुमन बाजरान और हर तबका फिक्र इस बात में शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज की जो हड़ताल दी थी उसमें इंतहाई पूरा मन और बावकार तरीके से अपना इत्जार रिकॉर्ड करा रहे हैं, अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं। इसमें मैं ये जमानदार थे उनको ये आगाह करता हूँ, कर देना चाहता हूँ कि ये पूरा मन लोग हैं और इनको एक हद तक आप रखें। ये लोग इनका सदर का पैमाना लबरेज हो और फिर हमारे बस में कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरह आज आप ये देखेंगे संगम है यहाँ लाहौर कराची और पेशावर इस्लामाबाद, यहाँ ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन कोई गाड़ी इस रोड पे नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो ये इत्जाज की जो कॉल दी थी, चाहे गुलपर अंजुमन ताजरा हो या पूरे आजाद कश्मीर का हर तबका फिक्र हो, ये एक हकीकत है और हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। महंगाई पूरी दुनिया में इसका हम बिल्कुल दिल से इतराफ करते हैं और यहाँ पर अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की बात करें तो फल फ्रूट से लेकर सब्जी से लेकर आटा और जितनी चीजें हैं दालें सब नहीं हुई, लेकिन लोगों ने ये सब्र का प्याला बड़े कुछ असरूफी से पिया है, सब्र किया है, लेकिन आस्था आस्था आज लेकिन इशू में ये इत्जाज की कहा दी गई है उसमें ये पूरी दुनिया का नाम है कि जिसके सैन जिसके घर के करीब से चीज पैदा होती हो वो उसका हकदार हो। आज बिजली का इशू है, ये हमारे सैन में बनती है, हमारे मकानों के दाएं बाएं बनती है, यहाँ इसकी कनेक्शन होती है और फिर जो 1962 में मायदे होंगे वो भी जो है ना ऑन रिकॉर्ड। हम कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मांगते, उस वक्त जो मायदे हुए थे अगर नहीं उस पर अमल हुआ तो तब तक ये सदर जो है इसका दामन पकड़ रखेंगे। आटा जब महंगा हुआ तो इत्जाज हुए, लेकिन जुजरी तो इत्जाज हुए। ये बिजली जो है ये आजाद कश्मीर के लोगों का हक है कि इस पर वाजिया तौर पर रिलीफ दिया जाए आजाद कश्मीर के पास। ये कोई हम भीख नहीं मांगते, ये हम कोई उनसे कोई गदा नहीं मांगते हैं। ये वो वायदा है कि जब यहां बैठे हुए अक्सरीती लोग इस दुनिया में नहीं आए थे और वो लोग जो उस मायदे के वक्त मौजूद थे आज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड मौजूद है। ये आप मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं कि कौन सी कसौटी है ये जो टैक्स लगाए गए हैं, हमें इस काल में मुतमयन किया जाए। एक रेडी वाले से लेकर ड्राइवर करेंसी तक क्या मसावात आपने बयान की है कि जो पूरे मायने में फाका कशी कर मेहनत का दी अपना पेट पालता है वो 30-35 हजार रुपया बिजली का बिल कैसे दे रही है, इसका कोई तयन कर दूंगा कि सबको आपने एक ही सब में रख दिया है। ये नहीं काबिल बर्दाश्त, ये लोग ये बोझ नहीं उठा सकते।
और ये देखिए ये कितने अजीम लोग हैं। मैं अपना हल्का मार के रबे में इंतहाई बुरा हूँ और लोगों ने इनके काम का लबैक किस लिए कहा कि ये बुनियादी हक है और इसको तस्लीम करना मैं समझता हूँ, इसका गौर करना और इसे इम्प्लीमेंट करना ये उन हुक्काम का फर्ज है। इसलिए ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं जो ना होने वाला हो। हर चीज मैं आपसे यकीन कर रही हूँ, मैं इस मीडिया के तवासत से पूरे हल्के बारे अपने हल्के के आवाम को उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि इतना पुरअमन एहतजाज और इतना बड़ा एहतजाज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये बिल्कुल परिया गांव है, हर तबका फिक्र देना हो वो ये सोच रहा है कि आने वाला दिन कैसे गुजरे। हम मुसलमान जहां मुझे पता है कि बेशुमार लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं, मैं ग्राउंड में बात करने वाला हूं, चुप कर नहीं सकता। मुझे किसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो मेरे दिल में होती है उनको दिमाग में होती है वो हर हालत आवाम का मुकाबला करता हूं। कि मैं ये गुजारिश करता हूं कि मुसलमान है, मुसलमान के साथ जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है कि हम मुसलमान हैं, और जब उसकी जबान निकलती है उस वक्त उसको दस दिया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम इसको मानते हैं, हम मनमान से मानते हैं। वो हमारे भाई जो उस बार कश्मीर में जिनके साथ जुल्म सितम हो रहे हैं उसको ये नारा सुनाया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो हमारी रघु में रसा बचा। लेकिन जब नाइंसाफी होगी, ये आने वाली जो अब जो ये जनरेशन गुजर रही है, मैंने इनके खानदान से जितने लोग तीसरी नस्ल से मेरा रास्ता है, अल्लाह की चौथी नस्ल से ये भी बर्दाश्त है, ये हमारे उस नजरिए में भी आने वाला है। हम सिर्फ महंगाई में समझा पूरी दुनिया में है, हर एटम में है, लेकिन हम वो चीज उस चीज का मुतालबा कर रहे हैं जो हमारे सहन में पैदा होती है, उससे उसका इस रूप के साथ इंसाफ किया। मैं वो नुमाइंदा जो पैसे देगा लेता हूँ, पैसे देगा मैं आप दरियों में बैठे हुए अगर आप यहाँ बिल्कुल यहाँ मट्टी में बैठे हुए तो भी राजा है सब वहां बैठे। मैंने और जगह भी जाना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं नाम एसी में नहीं अयाशी करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपने आज ये दस दिया है सबर का, इस तरह मैं आपको सलाम पेश करता हूँ हल्के भर के आवाज को। और ये इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका ये पूरे मुझे प्याज रंग लाएगा, इस तरह उनको जो है ना वो मेरा ख्याल है कि मजबूरन सोचना होगा कि महंगाई की मजबूरी बात नहीं कर रहा, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। आप ये देखेंगे जिसकी जो 25 लाख 30 लाख महीने का खाता है वो घर का खर्चा कैसे चलाए और 35-30 हजार बिल कैसे मिले, कौन सा क्राइटेरिया बनाया है आपने गरीब और अमीर के लिए, ब्यूरोक्रेसी देखे बड़े बड़े जो घटे हैं उनके क्या पिलाते हैं और एक गरीब वाले का और एक मजदूर का क्या पिलाता है, इसमें आपने कौन सा इंसाफ किया है। मैं अंजुमन के तवासत से ट्रांसपोर्ट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजुमन ताजवान के पूरे आजाद कश्मीर और फिर खसूस कोर्ट जिला कोटली के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा मुल्क, हम इसमें हमारा जन्म हुआ है। और जिस तरह आज आपने काल दी है और हर तबका फिक्र में आपकी काल पर लबैक कहा है और फिर पुरअमन भी, ये बड़ी बात है।
और इस पुरामन माहौल को पुरामन रखने के लिए जमादारान साथियों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, ये देखें, हर जगह देखें, आप अपनी आंखों से देखें कि लोग जो है ना वो बिल्कुल एक किस चीज का मुतफिक है, 100% मुतफिक है। कोई उनके दरमियान कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनको ये कहें कि इस बात में मैं मुतफिक नहीं हूँ। और ये जो बिजली का मामला है, ये तरजीह बयानों में बिलखसूस आजाद कश्मीर के लोगों के लिए, जिनके सेनों में ये बिजली पैदा होती है, जिनके घरों के दाएं बाएं से बिजली पैदा होती है, ये हमारा कोई इतराज नहीं है कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं। अगर उसका जो हमारा राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जब तक वो नहीं मिलेगा तो हमारे नजरिए पर भी हल्फ आएगा, और वो नजरिया जो आबाओ जदाद ने, जो कायदे आजम ने, जो खालिक जमात मुस्लिम लीग नून ने, ये और हर मैं समझता हूँ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से, आज से पहले कोई इनराफ नहीं करता था। हमें जंगल में मंगल देखे, दरिया में हमने यहाँ से दरिया में बिजली पैदा हो गए थे, यहाँ पर लोग रहना वो इस दरिया में डूबते थे, बिजते थे, आज वो दरिया हमारे लिए जो बुनियादी हमारी जरूरत है वो मुहैया कर रहा है, और हमारे सेनों में ये ज्यादा प्रोडक्शन की हो रही है, और उसका राइट हमें दिया जाए तो आपने वायदा इस जनरेशन के सामने नहीं किया था। उस वक्त मैं समझता हूँ अक्सर की लोग रहना वो नहीं थे, चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस वायदे के तहत हमारा राइट हमें दिया जाए। तो मैं एक बार फिर अंजुमन ताजरान और बिलखसूस जो एक्शन कमेटी आपने बनाई है, और बिलखसूस जो जितने यहाँ पर यहाँ हाजरीन बैठे हुए हैं, जो हाजरीन बैठे हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी बगा का मामला है, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल का मामला है, हमने एक एक जान होता ये तारीख आगे कहाँ तक पहुँचेगी, इसका मैं समझता हूँ अगर इस पर इसके साथ इंसाफ ना किया गया तो शायद हमारे बस में ये बात नहीं हो। आखिर में मैं फिर एक बार अब आप तमाम भाइयों का जिन्होंने ये काल दी है आंदोलन का अजराम के एक्शन कमेटी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पूरा ये भी लोगों का इस तरह हमारी लोग एहतजाज भी करते हैं, और ये एहतजाज करके आपने साबित किया, और जिसकी गाड़ी थी उसने घर से गाड़ी नहीं निकाली, जो मजदूर था वो भी आज यहाँ मौजूद है, जो दुकानदार था उसने भी अपना एक दिन का जो है वो कारोबार छोड़ दिया है। तो अगर ये लंबा अरसा चल पड़ा तो शायद हमारे पास में इसकी बात ये हमारे पास में न रहे। तो मैं एक बार फिर जमींदारान साथियों से आज के इस एहतजाज के हवाले से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर सोचे और गौर करें, और ये मामला फिर फौरन करें।